हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फैन एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं रेडी हूँ बिल्कुल, और ये लुक आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ का है। ये इस तरह का लुक मैं कैरी करती हूँ दिल्ली के लिए, और दिल्ली जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। आज दिल्ली का चक्कर लग रहा है काफ़ी टाइम बाद, और मार्केट जा रही हूँ मैं। और कौन सी मार्केट जा रही हूँ ये तो मुझे सस्पेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी पहले ही बता दिया तो फिर आप वीडियो वॉच नहीं करेंगे। तो गाइज़ आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ दिल्ली की एक मार्केट में, और मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी है अपने लिए, और वंश के लिए कुछ टी शर्ट वगैरह लेनी है। तो जा रही हूँ मैं, और व्लॉग भी बनाऊँगी वहाँ पर, और आपको पूरा दिखाऊँगी मार्केट का, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट की चीज़ों के बारे में बताने की, और प्राइस के बारे में, वहाँ के सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप एंड तक व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं दिल्ली की मार्केट। तो निकल चुके हैं अब हम लोग घर से मेट्रो स्टेशन के लिए, और जा रहे हैं मेरे साथ में, ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, भाई साहब हैं, और दीदी हैं उनकी वाइफ, मेरी जिठानी जी यानी कि, और उनके साथ काम करती हैं वो, एक उनके साथ ही हैं, उनके साथ शॉप में जो काम करती हैं वो हैं साथ में। तो हम सब लोग निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। तो देखिए हमारे घर हैं बिल्कुल नज़दीक, तो हम सब साथ साथ ही लगभग दिल्ली जब जाना होता है तो चले ही जाते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और बस अब निकलेंगे यहाँ पर। तो मैंने तो बनवा रखा है मेट्रो कार्ड, तो काफ़ी ईजी हो जाता है मेट्रो में से निकलना। तो आज रश ज़्यादा दिख नहीं रहा वैसे मेट्रो स्टेशन पे, और आई है मेरे साथ दीदी, देखिए आप मिलिए। तो ब्लॉग में आपने पहले भी देखा होगा, दीदी हैं मेरी, बड़ी हैं ये शिल्पी दीदी। तो ये भी जा रही हैं गांधीनगर से कपड़े लेने के लिए, और वहाँ से ये जाएंगी और मैं अलग मार्केट में जाऊँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग। खाली पड़ा है आज तो मेट्रो, टाइम ऐसा है ना 11 बज रहे हैं। हाँ सुबह ही निकल जाती है ना सब लोग, और फिर आज वर्किंग डे भी नहीं है ना, बिल्कुल खाली पड़ा है भाई। इस टाइम तो हम वहाँ से भी जाते हैं ना, तो खाली मिलता है। तो गाइज यहाँ पे ले रही हैं दीदी, दीदी के साथ जो उनकी हेल्पर हैं वो ले रही हैं टोकन, और दीदी के पास और मेरे पास तो दोनों का मेट्रो कार्ड है, हम दोनों के पास तो हमने बनवा रखे हैं मेट्रो कार्ड अपने अपने। तो मेट्रो कार्ड से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि टोकन नहीं लेना पड़ता, टाइम ख़राब नहीं होता। जब भी दिल्ली जाना होता है तो फटाफट से कार्ड को लगाइए और निकल जाइए आगे। तो कार्ड को थोड़ा सा रिचार्ज कराना पड़ता है उसको, उसमें पैसे वगैरह डलवाने पड़ते हैं मंथली, आप अपने अनुसार डलवा सकते हैं 500, 1000 जैसे भी आपकी कैपेसिटी हो। तो चलिए अब चल लेते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाते टाइम तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ लेकिन आते टाइम काफ़ी थक जाती हूँ। तो देखिए अब आ चुके हैं ऊपर मेट्रो स्टेशन पर। तो अब मैं उतर गई हूँ यहाँ पे लाजपत नगर, और यहाँ से बस पिंक लाइन की तरफ जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट के लिए। तो चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ का मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर। काफ़ी नीचे जाना पड़ता है
पिंक लाइन की तरफ सरोजनी के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है बिल्कुल। फाइनली पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर और चलिए आपको पता ही चल गया होगा कि सरोजनी नगर में मार्केट जा रही हूँ। तो चलिए आप चलते हैं सरोजनी नगर और देखते हैं किस साइड जाना है। मेट्रो स्टेशन पे इतनी ही सारी सीढ़ियाँ, एक्सेलेटर इतने सारे हैं गाइस के बस यही ढूंढते रहो किधर जाना है, किस साइड जाना है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस सरोजनी नगर जो मार्केट है काफ़ी बड़ी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप सब कुछ पता लगता रहेगा कौन सी चीज़ कितने की है। चलिए सीढ़ियों से नहीं है, इसके लिए लेटर ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं गाइस। एक्सेलेटर पे आके तो आराम ही आराम, कभी कभार मेहनत नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। वैसे मैं डेली बहुत मेहनत करती हूँ, एक्सरसाइज करनी है, बहुत कुछ करनी है। ये चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके। अभी न्यू ख़रीदा है, पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने इन वाले गॉगल्स के बारे में, देखिए अच्छा लग रहा है वैसे दोबारा। तो ये वाला लुक मेरे काफ़ी पसंद आता है, आप लोग बताइए। कितने का है ये? 10 का है। 10 का है? हाँ। अब वैसे मास्क तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्यों खरीदे हम? चलान कटता है पर सरोजनी नगर। कहाँ पे? वहाँ पर चलान कट जाएगा। कितने रुपए का? 500। चल ठीक है, इससे अच्छा तेरे 10 रुपए का मास्क ले लेते ना। तो गाइज अब मैं पहुँच चुकी हूँ सरोजनी की मार्केट में। तो देखिए सामने स्टार्टिंग में ही है पर्स और यहाँ पे लगी हुई है 250 में सेल। तो ये है स्मॉल साइज के कुछ पर्स और ये जो शॉप है ये स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। सिंगल वाले या डबल वाले? 50 वाले। ये सिंगल वाला? सिंगल वाला 50-50 का, कोई सा भी। 50 का? 50 का। तो मैं जा रही हूँ अब पर्स की शॉप में और ये है ऊपर की साइड, कुछ नीचे लगा रखे थे पर्स लेकिन जो बड़ी वाली शॉप है वो ऊपर ही है। तो यहाँ पे पर्स हैं स्मॉल साइज़ के और ये हैं 250 में। तो देखिए आप काफ़ी अच्छे ये पर्स हैं, बहुत मजबूत भी हैं और बड़े वाले जो पर्स हैं एक साइड में ये बड़े वाले पर्स हैं और इनकी इनके रेट हैं 500। तो बड़े वाले पर्स हैं 500 में। तो चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेके मोमोज खा लेते हैं। मैं
मैडम लॉन्ग चेन डलने का चेन 50 में। मैडम जी 700 लोगे। रेमन गोपाल कितने के हैं ये? ले लो मैम 450 का। ले लो कम करके लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हैं ये कुछ ब्यूटीफुल बॉक्सेस और ये ज्वेलरी के रखने के काम आते हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये। और देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कुर्ती येलो कलर की, ये कुर्ती मैंने ली है और ये है 350 में। तो कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं और 350 में ये सारी कुर्तियाँ हैं यहाँ पे। कितने कितने की है? लेना स्मार्ट वॉच। हेलो मैडम, कॉटन का भी प्लास्टिक का कितने के हैं? कपड़े का 100 रुपये का प्लास्टिक का। ये डबल साइड है, प्लेन वाला है, ये सिंगल है। हेलो कौन सा लेना? गाइस तो आज सरोजनी नगर मार्केट में ना इसमें काफ़ी रश है और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे कुछ देखती हूँ गाउन वगैरह लेने के लिए। तो देखते हैं कुछ अच्छी सी एक शॉप मिली है तो इस पर से देखते हैं। कितने के हैं? स्टॉक रूट है, बेर है, अमरख है। कितने कितने के हैं भैया? मैडम अलग अलग कितने का ये? ये 200 का, 250 का, 150 का। कितने साल का चाहिए? बड़ा साइज चाहिए? 5000 का उसी में मिलेगा। उसमें बड़ा नहीं है? और बेल्ट और बेल्ट का कपड़े और बेल्ट और बेल्ट और निकालने कितने कितने की है? बेल्ट अलग अलग है हैं। लॉइन शेयर वाली कितने की है? कौन सा ये वाली? ये वाली ₹600 आ गए। बढ़िया बढ़िया स्वेटर आ गए यार, सब ₹600 स्वेटर आ गए यार। तो गाइज अब शाम हो रही है और बजने वाले हैं, अभी 4 बज रहे हैं। तो बस अब लगभग मेरी शॉपिंग हो चुकी है, बस निकल रही हूँ थोड़ी बजे में बाहर। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये सरोजनी नगर की, सब कुछ मिल जाता है इसमें। आप सस्ते प्राइस में ले सकते हैं, महंगे में ले सकते हैं, जिस में है आपका बजट है, कम का ज़्यादा का जितने का भी है, आप सब कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं, महंगा सस्ता सब कुछ। आप लोग आइए यहाँ पे और सरोजनी की मार्केट एंजॉय कीजिए, साथ में खाइए पिए पियो।
खाने पीने के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मोमोज वगैरह हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा सकते हैं आप लोग। मैडम आपको चाहिए खास टेबल का? ज़्यादा नहीं चाहिए। और सेल चल रही है यहाँ पे 150, 100, 350 में बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते हैं यहाँ पे आपको, अभी जो मैंने पीछे दिखाए हैं कुर्ते 350 में ही है वो। तो देखिए ये हैं लॉन्ड्री बास्केट्स और ये बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बेबी के कपड़े आराम से इसमें अच्छे से रखे जा सकते हैं जो बहुत छोटे बेबी होते हैं। पहले बोरे भर के ले जाओ सब, एसी का बार, वॉशिंग मशीन का बार, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, एसी का, विंडो एसी, स्प्लिट। हेलो तो चलिए आप कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं ये पेटीज, कैसे दिए कितने का है? तो देखिए पेटी से कुछ बात नहीं बन पाई, पेट नहीं भरा अच्छे से, तो चलिए खा लेते हैं यहाँ पे। फाइनली भेलपूड़ी वाला ये मिल गया भैया, तो मैं बनवा रही हूँ अभी इससे भेलपूड़ी और कह रही हूँ भैया अच्छे से बना दे थोड़ी सी, क्योंकि पूरी मार्केट में कोई भेलपूड़ी वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। और लास्ट में आके यहाँ पे बाहर की साइड ये बैठा हुआ था, तो मैंने कहा भाई अच्छी सी बना दे बढ़िया सी। तो देखिए वैसे मैंने इसको 20 रुपीज़ के लिए बोला था, बट आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा सावधानी बरती है कि आपकी थोड़ी सी चूक होने पर ही ये मार जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए मेरे लिए बना दी इसने 50 रुपीज़ की ये भेलपूड़ी, जबकि मैंने बोला था इसको 20 के लिए। तो थोड़ी सी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गई, इतनी देर में ही इसने कांड कर दिया। तो देखिए थोड़ा सा इस चीज़ से भी आप सावधानी बरतें। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ बिल्कुल मार्केट के बाहर, तो चलिए अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो अब शाम हो चुकी है, उसमें दिन भर मार्केट करती हूँ, घूमती हूँ मार्केट में, और उसके बाद से शाम को घर वापस। चलिए अब चल देते हैं घर। गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मार्केट में जो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो आपको कैसी लगी, प्राइस कैसे लगे, और आप लोग आइए शॉपिंग कीजिए यहाँ पे तो बताइएगा ज़रूर। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए थोड़ी बहुत देर और बने रहिए आप लोग व्लॉग में, अभी एंडिंग तो मैं घर जाकर ही करूँगी। गाइस तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ तो पानी पूरी मिल जाएगी, मोमोज मिल जाएंगे इस मार्केट में, और राम लड्डू करके एक डिश है ये मिल जाएगी, बस यही छोटे मोटे स्नैक टाइप ही खाना पीना मिलेगा दिन में। ₹100 और इयर रिंग्स ये वाले कुंडल मिलेगा, हैं ₹100 मिलेगा, कोई पता है मीठी तो है ना जी मैडम, गारंटी। मसाला लगा गया ऐसी आप बताओ, लगाऊं नहीं लगाऊं? लगा दे थोड़ा सा ही लगे, ज्यादा नहीं। गाइस अभी एक मंदिर मिल गया है यहाँ पे भगवान का, देखिए भगवान तो मेरे साथ हर समय साथ ही रहते हैं, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। और मार्केट में कहीं जगह नहीं मिलती ऐसी बैठने के लिए, थक जाते हैं काफ़ी, भागम भाग और भीड़ इतनी यहाँ रहती है, कहीं जगह है ही नहीं बैठने की, बस बैठ गई हूँ अभी मंदिर में यहाँ पे। और यहाँ पे मिल गई है ये मुझे कुछ सेट सेल कर रही है गले के, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पे तो मार्केट काफ़ी दूर दूर तक लोग छोटे मोटे काम करते रहते हैं।
रोजगार है, वो रोजगार की कमी नहीं है। तो गाइस मंदिर के पास बैठ के काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मंदिर में मंजीरे बज रहे हैं, घंटी बज रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से मैं उठ के जाऊँ, और गर्मी लग रही है काफी। देखिए भगवान का नाम जहाँ पे लिया जाता है तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पे है सरोजनी नगर मार्केट में दिल्ली में, तो बहुत ही गंद भरा माहौल है। लड़कियाँ शॉर्ट्स में घूमती हैं और बस ऐसे ही घर से फुल कपड़ों में आती हैं और यहाँ पे वॉशरूम में आके चेंज कर लेती हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहन के घूमती हैं। तो कितनी ज़्यादा गलत चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो देखिए कम से कम फुल कपड़े लड़कियों को पहन के घूमना चाहिए, और पेरेंट्स के माँ बाप से कहकर आती हैं कि हम जा रहे हैं स्कूल कॉलेज, और यहाँ पे आके अभी यहाँ पे ये आंटी बैठी हुई है, मैं इनसे बात कर रही हूँ, यही बता रही थी कि लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करती हैं और फिर घूम के मार्केट में और बस चली जाती हैं उन्हीं कपड़ों को पहन के। गाइस काफ़ी गलत चीज़ है ये, बड़ी अजीब सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, धोखा देती हैं अपने माँ बाप को। तो देखिए इस तरह से बदनामी करने से मतलब क्या है, सीधे सीधे अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं ये चीज़ कि भैया शादी कर दो हमारी, है ना, कम से कम पेरेंट्स की माँ बाप की नाक बच जाए। तो गाइस अब मुझे पता लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं रखा, मुझे ये बच्चों को हम लोगों को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, रीज़न पता लगता है अब। और ठीक ही है, देखिए मुझ पर तो कोई ख़ास इन सब चीज़ों का असर पड़ता नहीं है, लेकिन बच्चों पे असर पड़ सकता था इन सब चीज़ों का, तो अच्छा ही है। थोड़ा सा हम दिल्ली के से सच से थोड़ा अलग हैं फरीदाबाद में, तो अच्छा है ये चीज़। तो देखिए बिगड़ने की तो खैर कोई उम्र नहीं होती है, बट इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ का कि नहीं बिगड़ना, लेकिन फिर भी माँ बाप को थोड़ा सा अनसिक्योरिटी तो होती है कि क्या पता हमारे बच्चे बिगड़ जाएं बाई चांस, तो लगता है थोड़ा सा। तो हस्बैंड ने इसीलिए कभी भी हमें दिल्ली पुलिस वाले जो हमें क्वार्टर्स मिलते हैं उसमें हमें रखा नहीं कभी, और अच्छा ही है। अब मुझे समझ में भी आता है थोड़ा बहुत, तो काफ़ी गंद भरा माहौल है, लड़कियाँ हमारे मतलब बहुत ज़्यादा गंद मचा रखी है लड़कियों ने, अच्छी भी लड़कियाँ हैं, अच्छी लड़कियाँ उन गंदी लड़कियों के चक्कर में बदनाम होती हैं, अच्छी पढ़ने लिखे लिखने वाली लड़कियाँ भी हैं एजुकेटेड जो अच्छे से यहाँ पे घूमती हैं, तो लेकिन उन गलत लड़कियों के चक्कर में उनको भी सब उसी निगाह से देखते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों का आप ध्यान रखिए, और उनसे बार बार कॉल करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, जिस टाइम वो पढ़ें उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी लेट हो रही हैं या कुछ ऐसा, अगर वो दिल्ली साइड इस साइड आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए उनका, क्योंकि देखिए उम्र का हम विश्वास नहीं कर सकते, बच्चे पे कर सकते हैं बट एज पे नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑल पेरेंट्स। पैरों की पायल है ये, कितने कितने की है? 20 रुपए। कौन किसको खरीदना, कौन
गाइज, तो अब जा रही हूँ मैं घर की ओर। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और आज काफ़ी कुछ शॉपिंग की है मैंने, और अगर ये शॉपिंग का सामान आपको दिखाऊंगी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको कि क्या क्या मैं सामान लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड गुड नाइट।